बदलेगा करवट अब ये नव युग ये लाएगा, युग बदलेगा करवट अब ये अपना रंग दिखाएगा। लेकर हम जली मशाली दुनिया को राह दिखाए, अंधेरा कितना हो पर नया सवेरा हम लाए। बदलेंगी तस्वीरें सारी, मन हमारा मुस्काएगा। नए विचारों की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे हम, अपनी ताकत आप बनेंगे मंग पाएंगे हम। करवट शब्दों का संसार हमको नई राह दिखाएगा, नव युग लाएगा। यार कोई नहीं, यार कोई नहीं। देख जीवन, मैं साफ कह देता हूँ, वो अपना खेल सुधार यार। यार ठीक तो खेल रहा था। क्या खाकी खेल रहा था यार तू? मैं चिल्ला रहा हूँ और तू है कि अपना मस्त घूम रहा है। अरे यार गलती तो अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों से हो जाती है। यही तो बात है यार, तुम लोग इस तरह क्यों सोचते हो यार? एक बार क्या गलती हो गई, तू तो मेरे पीछे पड़ गया। देख जीवन, मैं साफ कह देता हूँ, इस बार मैं हारना नहीं चाहता यार। राजू ये कॉलोनियों के बीच मैच हो रहा था, कोई वर्ल्ड कप नहीं है। क्या मतलब है यार तेरा? तुम लोगों में जीतने का जज्बा क्यों नहीं है यार? बेटा तुम्हें पता नहीं है, राजू को कोई चैलेंज करे। और किसने चैलेंज किया है यार? सागर पुराण चैलेंज किया है, जब से उनको हराने की ठान ली। चैलेंज की ऐसी की तैसी यार, मुझे चैलेंज की कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अपने मोहल्ले की इज्जत की। तुम लोगों ने देखा है हम हर बार सेमीफाइनल में हारते हैं यार, थोड़ी सी मेहनत और करो तो हमारा टूर्नामेंट जीता पक्का है। मैं कह रहा हूँ तुमसे, ठीक है? चल चलते हैं। तू समझा कर यार बात को ऐसे क्यों यार? मैं तू कहाँ था सुबह से? जीवन की माँ कितनी बार चक्कर लगा चुकी है। तू फिकर मत कर माँ, जीवन भी आ गया है। इसलिए नहीं, उसकी माँ को चिट्ठी पढ़वानी है। क्यों, क्या और कोई नहीं था चिट्ठी पढ़ने वाला? और क्या, कितने हैं पढ़े लिखे इस मोहल्ले में। राजू माँ मैं जा रहा हूँ, जीवन बुला रहा है। राजू
क्या बात है यार, एक मिनट आने दो, क्यों अम्मा बुला रही है। देखना तो बेटा क्या लिखा है, दो घंटे से परेशान हूँ, कोई मुसीबत आई है क्या? कोई खास बात नहीं है चाची, बस कोर्ट का सामान है। कोर्ट की चिट्ठी, कोर्ट कचहरी के चक्कर? हाँ हाँ, हमने तो कोई मक्खी भी नहीं मारी। चाची ये गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, बस चाचा को गवाही के लिए बुलाया। गवाही के लिए? अरे हमने तो किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं। चाची मुझे बोलने तो दीजिए, ये लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है। याद है पिछले साल चाचा की जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी, उसी के लिए बुलाया है, मुआवजे की आखिरी गवाही है। एक तो सरकारी कागज, ऊपर से सब अनपढ़। अरे ये गधा भी तो अपने बाप की तरह काला आखर भैंस बराबर है। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप लोगों ने तो मुझे स्कूल भेजा ही नहीं, तो क्या करता मैं? और चाची पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, बीए एमए सड़कों पर जूते चटकारते फिरते हैं, अपना जीवन तो फिर भी काम करता है। चल जीवन चलते हैं। पाके मुड़े मुड़े, ए राजकुमार ड्रिंक ब्रेक कराना यार, गोलगप्पे वाला आया है। ए, कभी तो खाने की बात मत किया कर यार, फूल कर गोलगप्पा हो गया। ये बात ठीक नहीं है, बेचारे को गोलगप्पा मत कहो, खाते पीते खानदान का है। मैं तो सिर्फ दो रोटी खाता हूँ। दो रोटी? हाँ तो लग रहा है। ये कॉपी किताबें लेकर कहाँ जा रहे हो? ट्रेनिंग में जा रहे हैं, लिटरेसी की ट्रेनिंग है। लिटरेसी का मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना लिखाना। क्या फायदा है इस ट्रेनिंग से यार, कौन सी नौकरी मिल जाएगी? चाय नाश्ता तो मिलता ही है। चाय नाश्ता और आखिर में सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो मजे है यार। ओए अपन भी चले, चलो यार, चलो चलो ना। नहीं यार मुझे नहीं जाना। क्यों? मुझे काम पर जाना है, तुम लोग जाओ। चलो चलो चलते हैं, चलते हैं। अरे मुन्ना तू फुटबॉल से खेल, ठीक है? ठीक है, तेरी पढ़ाने की उम्र नहीं है, आओ चल। तुम क्या करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अच्छा, और तुम? मैंने तो पढ़ाई आठवीं में छोड़ दी थी। छोड़कर तो नहीं भागोगे? देखो भाई, साक्षरता का जो काम है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। हाँ, 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 जी। वैसे तो हमारे देश को आजाद हुए करीब 50 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश के करीब आधी आबादी अनपढ़ है। अब सोचो कि अगर हमारे देश का पढ़ा लिखा हर एक व्यक्ति एक एक निरक्षर व्यक्ति को भी पढ़ाना शुरू कर दे तो सारा देश पढ़ जाएगा, हमारा सारा देश साक्षर हो जाएगा। और इसकी खास जिम्मेदारी युवाओं पर है, यानी आप लोगों के कंधों पर है। इसके लिए युवाओं को खुद ब खुद आगे बढ़कर आना होगा अपने पक्के इरादों के साथ, और उन्हें निरक्षरता के इस कलंक को जड़ से मिटाना होगा। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अच्छा, आज हम सभी लोग साक्षरता का एक गीत सीखेंगे, आप लोग तैयार हैं? यार ये तो भाषण ही देता जा रहा है, समोसे कहाँ हैं? अबे आएंगे आएंगे। हाँ मैंने सुने रोज आती है। हे पढ़ना लिखना किसका हक है, ओ पढ़ना लिखना किसका हक है, अपना हक भी अपना हक, अपना हक भी अपना हक, जिसने हमको अनपढ़ रखा उससे लेंगे अपना हक, अपना हक भी अपना हक। जीवन, ओ जीवन। नमस्ते राजू बेटे, जीवन तो आज नहीं जाएगा। क्या हुआ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ, खेलने नहीं चल रहा? उससे तो उठा भी नहीं जा रहा यार, पेट में दर्द है, बुखार है सो अलग। बुखार तो तेज है, कोई दवाई दी इसे? अरे क्या देती, नुक्कड़ वाली दुकान से बुखार की गोली लाई थी, वही दी थी, लेकिन बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। बुखार ना उतरे तो अस्पताल ले जाना, ज्यादा देर बुखार रहना ठीक नहीं। नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, आज घर पर ही आराम करूंगा। कुछ नहीं, इसको नजर लग गई है। क्या बात कर रही हो चाची? तुझे कुछ नहीं पता, इसे बहुत जल्दी नजर लगती है, ये झाड़ फूक से ही ठीक होगा, देख लेना चाची। नहीं यार कराने देना मैं आपको झाड़ फूक, अभी अस्पताल जाऊंगा, डॉक्टर 150 की दवाइयां लिख देंगे। नहीं नहीं पैसे की बात नहीं है, इसकी जब भी तबीयत खराब होती है ना मैं ओझा जी के पास ले जाती हूँ, उन्होंने एक मंत्र पढ़ा कि इसकी तबीयत ठीक।
अच्छा मैं चलता हूँ यार, शाम को आऊंगा। राजू नहीं आया? यार जीवन भी तो नहीं आया, कहाँ रह गए ये दोनों? अरे राजू तो वो आ गया। अरे आज तुम लोग भी बोल लाए हो? ये राजू जीवन नहीं आया, उसकी तबीयत खराब है यार। क्या हुआ उसे? बीमार है वो, बुखार चढ़ गया उसे यार, उतर ही नहीं रहा, पेट में भी दर्द है उसके। यार तब तो वो मैच भी नहीं खेल पाएगा। हाँ हमें किसी और को खोजना पड़ेगा, चलो प्रैक्टिस करते हैं अभी। जीवन टूर्नामेंट नजदीक आया तो तूने बिस्तर पकड़ लिया। देखिए यार जीवन, तू जल्दी से ठीक हो जा, तेरे बिना खेल में मजा नहीं आता यार। मैं क्या करूं? अच्छा जीवन बीमारी क्या है? पता नहीं, कोई कहता ये है कोई कहता वो है, और पता है माँ क्या कहती है? मुझे नजर लग गई है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर को दिखा लेते हैं, ज्यादा देर करना ठीक बात है। देखो ना बेटा कितने दिन हो गए, ना बुखार उतरता है ना पेट का दर्द ठीक होता है। मेरा कहा मानो चाची, डॉक्टर को दिखा लो। अरे डॉक्टर क्या करेगा, मैं कल ही इसकी नजर उतरवाऊंगी। ओम किम किम किवाचरात पालक देव सर्प सुख में ददामि अम्बे जगदम्बे स्वाहा। ओम शून्य व शून्य शून्य पूर्ण शून्य ओम कुम स्वाहा। ओम मारुत मत संचारे मल्लोलक्षर संचारे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भूत विचार शुभ्रे विलुपत मनो तनो अति शीघ्र स्वाहा। इसे तो बुखार है, शरीर तप रहा है इसका। शरीर तो तपेगा ही, कोई मामूली भूत नहीं था वो। अरे जिसके पीछे भी पड़ जाता है ना तो जान दे के ही छोड़ता है। मुझे इस बुढ़िया की किस्मत अच्छी थी जो मुझे बुला लिया। अरे मेरा तो इस भूत से कई बार राम का सामना भी हो चुका है। अरे जब भी मैं जाता हूँ ना तो मुझे देख के पहले ही भाग जाता है ये। हाँ नहीं आएगा ये। बाबा इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। जय भोले तेरी कृपा, जय भोले। ओम शांति 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति शांति। माँ क्या हुआ जीवन? पेट में दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, जा बाबा ने भूत भगा दिए। सुबह से तो तू दौड़ने भागने लगेगा बेटा। एक बार अस्पताल तो ले जाते। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, अब ठीक हो जाएगा। राजू तुम फिकर मत करो, अब ये ठीक हो जाएगा। हाँ सुबह तक अगर बुखार नहीं उतरे तब ले जाना। वैसे ये ओझा जी है ना, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, 20 साल से जानती हूँ मैं इन्हें। यार जीवन की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है, तुम्हें अभी बुलाया है। क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? पता नहीं लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और चाची रो रही है।
तुम लोग खेलो यार, मैं भी आता हूँ। मैं चलूँ राजू? हाँ आ जा चल। ए, राजू मैं भी। हाँ चल चल। ए, कमल आ यार। मैं भी चलूँ? नहीं तू यही रुक, और कोई आए तो बोली बात खेल नहीं होगा। ठीक है चल चल कमल चल यार। पता नहीं घंटे भर से ऐसे ही तड़प रहा है। नहीं नहीं मैंने ओझा जी को बुलाया है, आते ही होंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था चाची, तो ओझा ओझा से कुछ नहीं होगा। कल भी आया था ना वो अपना इलाज करने। लेकिन बेटा बस चाची बहुत हो गया, हम इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। कमल ऑटो लेकर आ। अरे यार चलो भैया ये दोनों पीछे हो, जल्दी से आओ। बेटा राजू उठ बेटा, अब तू थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं चाचा मैं बैठा हूँ। दोपहर से बैठा बेटा, जा जा थोड़ी देर आराम कर ले। डॉक्टर 10-12 दिन से उस लड़के को बहुत तेज बुखार था, और उसके घर वाले हॉस्पिटल ले जाने के बजाय झाड़ फूक और ना जाने क्या क्या करते रहे। जाहिर है पढ़ना लिखना तो जानते नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा करना जानते हैं, और इन ओझा और तांत्रिकों के चक्कर में पड़े रहते हैं। कितनी गंदगी है वहाँ, मक्खियाँ मच्छर, और जो ये लोग पानी पीते हैं ना जाने उसमें क्या क्या मिला होता है, और जहाँ रहते हैं हॉरिबल बीमारियां तो होंगी होंगी। डॉक्टर He will survive. I don't think so. जब अस्पताल आया था तो काफी हालात खराब हो चुके हैं। अरे अनपढ़ गवार लोग, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये लोग ऐसे रहेंगे जाहिल। अरे ये लोग बोझ हैं इस देश पर और इस देश की अर्थव्यवस्था पर। कितना कुछ खर्च हो रहा है इन पर, लेकिन नतीजा क्या? Nothing. Zero. You are right. Hello. हाँ बोलो। हाँ मैं आ रहा हूँ डॉक्टर, पेशेंट की हालत सीरियस है, मैं उसको देख कर आता हूँ। जीवन क्या हुआ? जीवन जीवन डॉक्टर प्लीज क्या हो गया? He's dead. पर गवार लोग, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये लोग ऐसे ही रहेंगे जाहिल। ये लोग बोझ हैं इस देश पर और इस देश की अर्थव्यवस्था पर। कितना कुछ खर्च हो रहा है इन पर, लेकिन नतीजा क्या? नथिंग, जीरो। राजू बेटा, अगर मैंने तुम्हारा कहना मान लिया होता तो ये दिन न देखना पड़ता।
जीवन क्या हुआ? जीवन की याद आई यार, अगर पहले से हॉस्पिटल ले जाते तो शायद जीवन सही कह रहा। क्या बात कर रहा है यार, झाड़फूंक कोई अनहोनी बात तो नहीं है, सभी बुलाते हैं। देख यार, मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता। विश्वास जब मौत लिखी हो ना तो सब उपाय उपाय धरे रह जाते हैं। इन बातों को छोड़ो यार, इस भैंस से क्या लाभ, जीवन तो अपनी जान से गया ना। चलो यार प्रैक्टिस करते हैं, अब खेल कुछ नहीं होगा, बहुत हो गया फुटबॉल। क्या मिल जाएगा इससे जब हमारे अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अनपढ़ और जाहिल हैं, हमारे मोहल्ले में पीने का साफ पानी तक नहीं है। बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल की बजाय ओझाओं के चक्कर लगाते हैं, और हम खेलों में चैंपियन बनना चाहते हैं, अपने ही जैसे गरीबी और जाहिली में डूबे पड़ोसियों को हराना चाहते हैं। मैं नहीं खेलूंगा, मुझे नहीं हराना किसी को, सब हारे हुए हैं, हारे हुए जाहिली के अंधेरे में डूबे हुए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आओ राजू। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? सर मैं साक्षरता के लिए काम करना चाहता हूँ। क्या मतलब? सर मैं अभी से साक्षरता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है राजू, लेकिन पहले अपनी ट्रेनिंग तो पूरी कर लो। नहीं सर, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन क्यों, तुम आज अचानक ये सब बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए कि रोज हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। मैंने अपना प्यारा दोस्त खोया इसकी जाहिलपन की वजह से। सर मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ, अपने लोगों को इस अंधेरे से उठाना चाहता हूँ सर। चाहता हूँ कि वे भी इंसान की तरह जी सकें, इंसान की तरह सोच सकें सर। इसलिए आप ही बताएं मैं इससे कैसे जुड़ूं। ठीक, तुम कल से शुरुआत कर सकते हो। बल्कि कल से क्या, अगर चाहो तो आज से तुम शुरुआत कर सकते हो। हे, पढ़ना लिखना किसका हक है? नहीं चलेगा काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर। नहीं टिकेगी झूठी बहिया खाक बराबर, खाक बराबर। लड़के लेंगे भिड़के लेंगे, अपना हक भी अपना हक, अपना हक भी अपना हक। अपने पर विश्वास करेंगे और अपना इतिहास लिखेंगे, अपने मन की बात लिखेंगे, अपने दुख सुख आप लिखेंगे, वेद रचाए आप रचेंगे। नहीं चलेगा झूठा सच, नहीं चलेगा झूठा सच, नहीं चलेगा झूठा सच, नहीं चलेगा झूठा सच। बदलेगा करवट अब ये नव युग ये लाएगा, युग बदलेगा करवट अब ये अपना रंग दिखाएगा। लेकर हम जली मशाले दुनिया को राह दिखाए, अंधेरा कितना हो पर नया सवेरा हम लाए। बदलेंगी तस्वीरें सारी, मन हमारा मुस्काएगा। नए विचारों की दुनिया में कदम बढ़ाएंगे हम, अपनी ताकत आप बनेंगे, मंगल पाएंगे हम। करवट शब्दों का संसार हमको नई राह दिखाएगा।